हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक डिज़ाइन इन हिंदी। दोस्तों, आज हम बहुत दिन बाद एक ये फिर से वीडियो लेके आए हुए हैं। इस पे हमने कुछ इस तरह से मैटर लिखा हुआ है, माही फास्ट फूड कॉर्नर। तो इसको हमें 6x4 का एक बैनर बनाना है। तो उसके लिए कैसे क्या करना है, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और अब मुझे 6x4 का एक बैनर क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपली कोरल ड्रॉ ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रहे, यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये क्यों करना है तो मैं आपको इसके लिए एक कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताऊँगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे साइज़ यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे 4 कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पे, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे बॉक्स फिल हो जाएगा। इसको यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, तो सारा मैटर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो इसको सिंपली यहाँ से पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी इसको कर लिया हम लोगों ने। और इसके बाद यहाँ पे फोटोज़ भी लगानी है, तो सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और माउस से राइट क्लिक, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लाना है और यहाँ पे अब इसको छोड़ना है और राइट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ पे इसको कलर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद जो यहाँ पे पता लिखा हुआ है, अब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे, तो ये सारी लाइनें ब्रेक हो जाएंगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे पता हमको इसको सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है। सी और ई प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली इसका कलर ब्लैक है तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ से वाइट कर देना है। और ये अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहा क्योंकि ये इस ब्लैक वाले के नीचे है, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से शिफ्ट के साथ पेज अप करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ये शो हो जाएगा। और ये यहाँ से इसको थोड़ा आप डाउन एरो की से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, और कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो दोनों लाइन सेंटर हो जाएंगी। और इसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को और सी प्रेस करेंगे तो ये भी सेंटर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, माही फास्ट फूड कॉर्नर है तो उसको थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखना है। तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको दो लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको माही को यहाँ पे स्टाइलिश में लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको नीचे कर लिया और यहाँ पे इसको हल्का सा टेढ़ा कर लिया कुछ इस तरह से, और माही को यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया कुछ इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे इसको भी दो लाइन में यहाँ ब्रेक कर लेंगे, फास्ट फूड कॉर्नर, और कुछ इस तरह से इसको, ये यहाँ पे है। अब इसको कंट्रोल और ई सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, खींच लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फास्ट फूड कॉर्नर। अच्छा, इसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बोल्ड फॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कोई एक बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे फॉन्ट है राज2 करके। आपको फॉन्ट यहाँ नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, राज2 फॉन्ट इसका नाम है। आप यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे कर लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हल्का छोटा कर लेंगे और यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ भी लगानी। तो सिंपली ये यहाँ पे एक है पॉलीगन टूल, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। और यहाँ पे भी ये पिरामिड की तरह है, तो यहाँ पे ये जो इस तरह से यहाँ पे इसकी पॉइंट्स ऑफ साइडेस हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे 10 कर लिया और इसको यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ। 15 करने के बाद F10 वाला यहाँ पे टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट करके अंदर की ओर मोड़ लेंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, मोमोज है, फिंगर है, बर्गर है, स्प्रिंग रोल है, ब्रेड है और चाउमीन है। तो यहाँ पे हम इसके बॉक्स बना लेंगे। इसको सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करते हुए आगे की ओर छोड़ना है। जब छोड़ना है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है और अब कीबोर्ड से आपको कंट्रोल आर प्रेस करना है। तो यहाँ पे सिंपली ये 4 रिपीट होता चला जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। तो हमने इसको क्या करना है, हल्का सा और छोटा कर लेंगे यहाँ पे बॉक्स, और यहाँ पे 2 बॉक्स और बना लेंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर लेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पे सारे 5 बॉक्स बन गए। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब इसको अपने हिसाब से यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि वहाँ बॉक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, अब यहाँ पर आप नेट से यहाँ पर इसकी इमेजेस ला सकते हैं,
अगर यहाँ पे आपको इसका ये और यहाँ पे बढ़ानी है तो ये 15, यहाँ पे आप 20 भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। तो मैं इसको 15 पे ही रहने देता हूँ। और अब सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ से नेट से पहले चाउमीन की इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, चाउमीन, और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। आप कुछ भी सर्च करते हैं, चाउमीन PNG भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली यहाँ पे चाउमीन की इमेज सर्च करनी है। और यहाँ पे इसकी आपको जो भी इमेज लगानी है, जैसा भी आपका वो जो कस्टमर हो वो बोले उस तरह की आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आपको केवल दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो सिंपली यहाँ से हमने वाली इमेज यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रही है और ये इमेज यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो अभी ये डाउनलोड हो रही है, हमने इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे छोटा करना है और इस बॉक्स के ऊपर लाना है और शिफ्ट के साथ पेस्ट डाउन करना है। और अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये बॉक्स के अंदर आपकी चाउमीन की इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड, तो देखिए यहाँ पे चाउमीन की इमेज इसके अंदर आ गई। अब आप इमेज अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इमेज है मोमोज, तो यहाँ पे सिंपली मोमोज सर्च करेंगे और ये रहे मोमोज। तो यहाँ पे मोमोज की इमेज यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसे हमने चाउमीन की इमेज कॉपी करी थी। अब Ctrl+V के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इमेज का साइज यहाँ पे छोटा कर लेंगे। और छोटा करने के बाद सिंपली उसी बॉक्स के ऊपर जाना है और Ctrl के साथ पेस्ट डाउन करेंगे तो ये बॉक्स के नीचे चली जाएगी और बॉक्स ऊपर आ जाएगा। इस पर क्लिक करना राइट, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक कर देना, तो ये बॉक्स यहाँ पे मोमोज वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे फिंगर की इमेज भी ऐड कर लेनी है, तो यहाँ फिंगर की इमेज यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इमेजेस यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे ये हो चुका है। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ P प्रेस करेंगे तो इन दोनों के बीच में, सबके बीच में गैप बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब हमने क्या करना है, आपको जो भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है आप वो बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसका येलो फ्लोरल बैकग्राउंड सर्च करेंगे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हमने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कर देना पेस्ट और सिंपली शिफ्ट के साथ पेस्ट डाउन करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, इसको भी इस बॉक्स के अंदर कर लेंगे ताकि ये सब कुछ एक साथ रहे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो माही लिखा है इसको अच्छा स्टाइलिश करना है, तो सिंपली इसका कलर यहाँ पे कर देते हैं लाल और इसके बाद कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन का बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको आउटलाइन पॉइंट्स में रखनी है और पॉइंट्स 2 कर देंगे। यहाँ पे आपको करना है राउंड कॉर्नर्स, यहाँ पे बिहाइंड फिल पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आप इसको 4 कर सकते हैं। तो ये देखिए 4 करने के बाद कुछ इस तरह से इतनी मोटी यहाँ पे आउटलाइन लग गई। अब इसका कलर यहाँ पे काला है तो इसको वाइट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है इस वाइट कलर पर, तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन वाइट हो जाएगी। और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर हम रहने देंगे ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू कर देंगे। अब सिंपली इसमें भी आउटलाइन लगानी, तो F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आउटलाइन का साइज दे देंगे 4, यहाँ पे बिहाइंड फिल और ओके, और यहाँ से इसका कलर कर देंगे वाइट। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा Ctrl+G से, और इसको क्लिक करेंगे कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब एरो डाउन की नीचे करेंगे 3-4 बार और राइट साइड करेंगे तो ये इस तरह से इसका 3D बनने लगेगा। अब यहाँ पे दोनों में हम एक ही कलर कर देंगे, यानी कि इसका इसको भी इस कलर से कर देंगे और इसकी आउटलाइन भी सियान कलर से कर देंगे। अब ये इसके ऊपर है तो Ctrl के साथ पेज डाउन करेंगे, इसके नीचे चला जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक टूल होगा जिसका नाम है ब्लेंड टूल, इस पर क्लिक करना है ब्लेंड टूल पे और यहाँ पे नीचे वाले कलर को सिलेक्ट करके ऊपर वाले की तरफ लेके जाना है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपको 3D में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से Ctrl+K प्रेस कर देना है तो ये अलग हो जाएगा ताकि ये फाइल हैवी ना हो।
और यहाँ पे आप सिंपली हमारा इस तरह से हो चुका है। और अब यहाँ पे जो ये आपका ये है, इसको आप किसी पैच में भी दे सकते हैं। पैच में देने के लिए इस पे रेक्टेंगल टूल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे F10 सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको राउंड कर लेंगे। और अब इन दोनों का सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेंटर में हो जाएगा। सी प्रेस करेंगे तो सेंटर, इसको और इसको हम लोगों ने ब्रेक कर रखा था, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस कर लेंगे और अब इस बॉक्स को और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके सी ई प्रेस करेंगे तो इसका सेंटर हो जाएगा। अब सिंपली बॉक्स का कलर हमने चेंज करना है तो इसको येलो कर देंगे। और येलो करने के बाद अब इसके नीचे जो छिपा है तो शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप इसमें मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 00 फिल कर दिया है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी जो ब्लैक आउटलाइन है इसको यहाँ पे वाइट कर देना। तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट करने इसको क्लिक करना है, शिफ्ट की बटन प्रेस करनी है और फिर उसके बाद F12 प्रेस करना है। यहाँ पे 2 की आउटलाइन लगा देंगे, इसको कर देंगे यहाँ से वाइट। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एक बैनर बन के क्रिएट हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आप एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी CDR फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। वो फाइल बिल्कुल भी फ्री है, बस आपको उसका पासवर्ड इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।